हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके दांत पीले पड़ रहे हैं? तो आपके दांत पीले क्यों पड़ रहे हैं, ये मेरा आज का वीडियो स्पेशली इसलिए है, और इसके कारण, इसका समाधान हम इस दोनों बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके कारण, दांत पीले पड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन है कि आप दांतों को अच्छे से अगर ब्रश नहीं करती है, मीन्स कि आप दिन भर में 2 बार अपने दांतों को ब्रश नहीं करती है, खाने के बाद अपने दांतों को कुल्ला नहीं करती है, तो उससे क्या, एक पीली सी परत हमारे दांत पे चढ़ जाती है जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और उसको सही समय पर अगर उसका सोल्यूशन ना निकलाना तो फिर हमारे दांत बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो और कारण जानते हैं कि हम और हमारे दांत कैसे पीले हो रहे हैं। जैसे पहला कारण तो मैंने बताया कि हमने अपने दांतों को अगर ब्रश नहीं करेंगे ठीक से तो हमारे दांत पीले होते। दूसरा क्या है ना, जेनेटिक रीजन भी होता है। मतलब कई लोग होते हैं बस वंशानुगत, उनके मतलब जो ऊपर से चला आ रहा है कि दांत येल्लो थोड़े रहते हैं, तो वो जेनेटिक रीजन है। ठीक है, तीसरा, बच्चों में दांत येल्लो इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं ना, अपने दांतों को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, दिन भर चॉकलेट खाते हैं और उसके बाद फिर अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं, जिसके कारण भी उनके दांत सड़ते हैं और उनके दांतों में सड़न आती है और उसके चलते दांत येल्लो दिखते हैं। ठीक है, लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ लोग सुबह में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो फिर वो लोग बहुत हड़बड़ी में दांतों को ब्रश करती है और ऊपर ऊपर ब्रश कर लेती है, और फिर जल्दी जल्दी कुल्ला किया, नहाया, अपने काम में लग गई, तो धीरे धीरे करके फिर एक पीली सी परत हमारे दांतों पर बैठने लगी। जेंट्स लोग की बात अगर कर लो तो जेंट्स लोग प्राय प्राय जैसे कि कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, या फिर गुटखा, सिगरेट, इस तरह से कोई नशीली चीज़ का सेवन अगर मतलब वो लोग कर रहे हैं ना, तो फिर उसके कारण येलो हो सकते हैं। और कारण क्या है, और कारण है कि जैसे कि अभी मतलब बाहर का जंक फूड का भी बहुत ज़्यादा फैशन है। ठीक है, बहुत लोग जंक फूड खाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पिए, बाहर का चना तला, मतलब बाहर का सामान अगर कुछ आप बहुत ज़्यादा अगर खाते हो ना, जैसे ऑयली हो गया, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, इस टाइप का चीज़ का अगर सेवन आप ज़्यादा करते हो ना, तो इसके कारण भी आपके दांत येलो होते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक ऐसे मतलब मेडिसिन्स आते हैं जिसको हम लोग रेगुलरली अगर खा रहे हैं ना, उससे भी हमारे दांत येलो हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हुए बहुत सारे कारण। अब इसका समाधान क्या है, तो इसके लिए मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ, आप इसे ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। इसमें आपके किचन में ही जो कुछ कुछ सामान है ना, ये रेमेडी बिल्कुल उसी से बन जाती है, सिर्फ एक्स्ट्रा में एक जो फिटकरी है वो एक एक्स्ट्रा बाहर से आपको लाना पड़ेगा, वो भी ज़्यादातर घरों में होते हैं बनाते हैं, इसे मैं आपको अभी आगे बता रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको सरसों का तेल, बिल्कुल 4 से 5 बूंद ही तेल लेना है। मैं ये 1 टाइम के लिए आपको बना के दिखा रही हूँ। ये फिटकरी है जो कि आपको किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, ये पानी को साफ़ करने में काम आती है। तो इस तरह से फिटकरी का मैंने सिलबट्टे में कूट कर और इसका पाउडर बना लिया है, तो ये बिल्कुल 1 पिंच से 1.5 पिंच के बराबर मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो सरसों तेल है ना, सरसों तेल हमारी दांतों की सड़न को भी ठीक करता है, और ये फिटकरी है ना, ये हमारे दांत के पीलेपन को और कीटाणुओं को मारने में काम करता है। देखिए, अब सबसे ज़रूरी बात, ये 2 तरह का सोडा है, एक एडिबल सोडा है मीन्स कि रेगुलर में खाने का सोडा, और एक है बेकिंग सोडा जो हम लोग केक या फिर बिस्किट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों में से लेना कौन सा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ना, आप एडिबल सोडा लोगे तो ज़्यादा अच्छा। ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसमें ज़्यादा ब्लीचिंग होता है जो हमारे मसूड़ों के लिए थोड़ी हार्श होती है, और वो मतलब थोड़ी सी डैमेज भी कर सकती है, तो इसीलिए जब आप एडिबल सोडा लोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको कर देते हैं हम लोग साइड, और ये रहा एडिबल सोडा। तो एडिबल सोडा का भी हम लोग सिर्फ 1 से 2 मतलब पिंच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है इसे भी, इसमें भी हल्की ब्लीचिंग होती है, तो इस तरह से हम इसे भी 1 पिंच के बराबर आप देख सकते हैं मैं इस चम्मच में अंदाज से ले रही हूँ। उसके बाद ना, इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है नींबू। तो नींबू ना हर तरीके से अच्छा है, ये भी विटामिन सी होता है, इसलिए हमारे दांतों को चमकाने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इन चारों के एक और फायदे हैं, अगर आपके दांतों में कहीं सड़न भी हो रही है ना, तो इन उन कीटाणुओं को भी ये मारेगा और हमारे दांतों को पीले होने वाले कीटाणुओं को से रक्षा करेगा। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इसे लगाना कैसे है। इसे किस तरह से मैंने तैयार किया है वो तो आप देख चुके हैं। अब
इसका यूज कैसे करना है। तो इस ये क्योंकि इसमें फिटकरी डली हुई है ना, तो फिटकरी तो आप जानते हैं ये तो गंदे पानी को भी साफ कर देती है, तो फिर तो ये हमारे गंदे दांत है, तो इसे फिर कैसे मतलब साफ इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है ना कि आप देखो हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं जिससे कि हम अपने दांतों को साफ करते हैं, मीन्स कि गिर गया तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे इसे दतमन है जो कि मतलब कि जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, मतलब जो बुजुर्ग नहीं कहूंगी, जैसे कि जो थोड़ा एज में ज्यादा, ये कई लोग क्या होते हैं ना ब्रश से दांत घसना पसंद नहीं करते और वो दतमन का ही यूज करते हैं। और कई लोग होते हैं जैसे कि अभी ज्यादातर लोग है, बच्चों की बात करूँ या बड़ों की बात करूँ, सब ज्यादातर लोग इस तरह से ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसे ब्रश से भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी क्योंकि आप इसे, मैं बोलती हूँ कि आप इसे सिर्फ वीक में वन टाइम ब्रश करते हो ना, तो आप ब्रश की जगह पे मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सप्ताह में सिर्फ एक दिन इस तरह से दातुन से मतलब अगर आप करोगे ना तो ये अच्छा है। ये इसे तो आप चाहे तो दांत से मतलब दांतमन करते करते इस तरह से नरम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसे क्या किया है ना कि वो लोहे से ही मतलब मैं इस तरह से करके लाई हूँ। ठीक है, तो फिर इससे लगाने से क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे हमने चार इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स किए हैं उसका तो फायदा है ही, और इसके साथ साथ ही ना ये नीम का दतमन है, अगर आपके पास नीम की दतमन नहीं है तो आप दूसरी दतमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दतमन देखिए हर दतमन में ना, जैसे वो अमरूद की दतमन हो या फिर शाल की दतमन हो या फिर नीम की दतमन हो, सबके ना अपने आप में बहुत अच्छे गुण होते हैं, इसीलिए हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आप दतमन ही करना बेस्ट होता है। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप दतमन से करते हो ना तो इसका एक और बेनिफिट होगा कि आपको दतमन में भी, जैसे नीम का दतमन है तो नीम तो हमारे मतलब कीटाणुओं को मारने के लिए नंबर वन है ही, आप जानते हैं, तो ये क्या होता है ना इससे जब आप लोगे ना तो नीम के गुण भी इसमें आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी ना कि आप ये दतमन से अगर करते हो ना तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास दतमन नहीं है तो फिर आप इस तरह से ब्रश से भी कर सकते हो। तो इसे इस तरह से लेके और अपने पूरे दांतों में अच्छी तरह से आप अप्लाई कर लो, इसे कम से कम अच्छे से जहां जहां पूरे दांत के कोने कोने में अच्छे से आप इसे लगाओ। उसके बाद जाके 5 मिनट के बाद, अब जैसे ब्रश तो आपको सिर्फ 2-3 मिनट ही करने हैं, ज़्यादा देर नहीं करना है, लेकिन आप इसको और 1-2 मिनट दांतों पे लगे रहने दें। उसके बाद जाके फिर आप इसको मतलब कि सादे पानी से कुल्ला कर ले। गुनगुना पानी भी लेते हो ना तो ये भी बहुत अच्छा है, गुनगुना पानी लेने से और भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपके जो दांत है ना जो पीले पड़ चुके हैं उसका ये मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है।